दोस्तों, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में ब्रेन पावर को बढ़ाने, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने और स्पिरिचुअल दुनिया से जुड़ने के लिए मेडिटेशन करने का सलाह देता रहता हूँ। और यह सच भी है कि अपनी आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और स्पिरिचुअल दुनिया से जुड़ने की सबसे पहली सीढ़ी ध्यान ही है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस पहली सीढ़ी को ही पार नहीं कर पाते हैं, यानी ध्यान नहीं कर पाते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें ध्यान करने की सही टेक्निक का पता ही नहीं है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ध्यान करने का थोड़ा सा कठिन पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल, जल्दी रिजल्ट देने वाली टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बहुत ही कम समय में ध्यान की गहराइयों का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के नए आयामों के द्वार अपने लिए खोल सकते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और यकीन मानना, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है। आप ध्यान की गहराइयों का अनुभव प्राप्त करने लगेंगे बहुत ही जल्द। मेडिटेशन करने के लिए लोगों के मन में उठने वाली सबसे पहला सवाल यह होता है कि हम मेडिटेशन कहाँ करें। इसका जवाब है, आप मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यदि शुरुआती दिनों में आप किसी शांत स्थान का चुनाव करें तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। मेडिटेशन यानी ध्यान को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप किसी शांत स्थान पर एक ऐसे पोजीशन में बैठें जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, यानी जमीन पर बैठकर किसी भी आसन में, जैसे पद्मासन या सिद्धासन। आप किसी भी आसन में बैठें, वह आसन जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती हो। अब एक सवाल यह भी आता है कि क्या हम कुर्सी पर बैठकर या जमीन पर लेटकर मेडिटेशन कर सकते हैं? तो जवाब है, शुरुआती दिनों में आप बैठकर ही करें, एक बार गहरे ध्यान का अनुभव प्राप्त कर लें और उसके बाद फिर आप किसी भी तरीके से कुर्सी पर या लेटकर ध्यान कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको इसकी गहराइयों का अनुभव करना पड़ेगा। उसके लिए आप बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके किसी भी आसन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर शुरुआत करें और जब आपको ध्यान की गहराइयों का अनुभव होने लगे फिर आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। आप किसी भी स्थिति में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके कर सकते हैं। अब मेडिटेशन करते समय जब आप जमीन पर बैठ गए हों तब आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। दोस्तों, मन को शांत रखना यही वो काम है जिसे सीख पाना सबसे कठिन मालूम होता है। और आप में से ज्यादातर लोगों की यही शिकायत है कि हम मन को शांत कैसे करें। इसका जवाब है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके। अब आप कहोगे, वाह डॉक्टर, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि सांसों पर ध्यान केंद्रित करके मन को शांत करो। पर हम पहले तो सांसों पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते हैं, और मान लो सांसों पर ध्यान केंद्रित होने भी लग जाए तो मन शांत नहीं होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और इसे फॉलो करना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यह टेक्निक थोड़ी सी हार्ड पर बेस्ट होने वाली है। तो अब समझो, हमारे दिमाग में विचार आते कहाँ से हैं, तभी इसे शांत कर पाओगे। हमारे दिमाग में जितने भी विचार हैं वे सब हमारे सांसों के माध्यम से ही आते हैं। यह बात आपको समझ में नहीं आया ना, तो जरा अपनी सांसों को रोक कर देखो, क्या आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है? नहीं आएगा, क्योंकि हमारी सांसें जितनी जल्दी जल्दी चलती हैं उतनी तेजी से हमारे दिमाग में विचार आते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो अपनी सांसों पर कंट्रोल करना सीख जाए वो अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल करना सीख सकता है, वो अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीख जाता है। अब आप कहोगे कि क्या हमें मेडिटेशन करते समय सांसों को रोके रखना चाहिए? तो जवाब है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेडिटेशन के समय आप अपनी आंखें बंद रखो, अपनी सांसों को धीरे धीरे अंदर लो और उतनी ही धीरे धीरे बाहर छोड़ो। जितना धीरे हो सके उतनी धीरे धीरे सांसें लो, जितनी सांस आप अंदर भर सकते हो भर लो, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। और आपने जितनी सांस अंदर ली है अब उसे उतनी ही धीरे धीरे बाहर निकालो, एकदम आस्ते से, जितना धीरे आप निकाल सकते हो उतना धीरे। ऐसा करते समय आप देखोगे कि आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर ही है और आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं आ रहा है। यकीन नहीं हो रहा है तो आप तुरंत करके देख लो। अपनी आंखें बंद करो, एक बार गहरी सांस लो, होल्ड करो और एकदम धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। अब आपको धीरे धीरे सांस लेना है और उतना ही धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसा सिर्फ आप 2 से 3 मिनट करो और रिजल्ट हमें कमेंट में बताओ। अब जब आप ऐसा लगातार करोगे तो निरंतर अभ्यास के बाद यह खुद ब खुद होने लगेगा
आपका ध्यान लगने लगेगा, आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रहने लगेगा और आपका दिमाग विचारों से शून्य होने लगेगा खुद ब खुद। किसी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब जब आपका दिमाग विचारों से शून्य होने लगा है, तब आप तैयार हो जाओगे अपने जीवन के नए आयामों में प्रवेश करने के लिए। आप अपने ध्यान को अपने किसी भी अंग पर, किसी भी चक्र पर केंद्रित करके बड़ी ही आसानी से उसे जागृत कर सकती हो। अब वो चाहे आज्ञा चक्र हो, चाहे कुंडली शक्ति हो। दोस्तों, आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करो। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, अगर आपको ध्यान में अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करो। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताओ। इस टेक्निक के इस्तेमाल के बाद आपको जैसे भी अनुभव मिले, हमें कमेंट में बताओ। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।